नमस्कार दोस्तों दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के कोर एजेंडे में शामिल है कोर एजेंडे में किस तरीके से शामिल है क्योंकि आंध्र प्रदेश जब दो हिस्सों में बटा एक हिस्सा तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश रह गया तेलंगाना में बीजेपी अच्छी खासी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां सरकार बनाने का इरादा रखती है और अभी कुछ महीने बाद ही वहां चुनाव होने जा रहा है लेकिन उसके लगभग चार छह महीने के बाद लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी अब तक ये तय नहीं कर पा रही है कि आंध्र प्रदेश में उसका रवैया क्या रहना चाहिए क्यों वहां पर सरकार है वाई की जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और जगन रेड्डी समय समय पर राज्यसभा में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक खेल चलने वाला नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख विरोधी दल हैं जगनमोहन रेड्डी के चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी वाले वो लगातार बीजेपी को फोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे साथ समझौता कर लो और हम दोनों मिलकर हरा सकते हैं जगनमोहन रेड्डी को और इसी घटनाक्रम में द्वंद में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी कि किसको सपोर्ट किया जाए किसको छोड़ा जाए ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है बीजेपी के सामने यह एक बड़ा चैलेंज है अभी देखिए मानसून का सेशन आ रहा है मानसून सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का और उसमें जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार उसे पास कराना है उसे पास कराने के लिए उन्हें राज्यसभा में वाई एस आर सी पी उड़ीसा के बीजू जनता दल इन सब के सपोर्ट की आवश्यकता है और इस सपोर्ट अगर उन्हें नहीं मिलता है और अगर यह बिल गिर जाता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी एम्बेरसिंग की पोजिशन है लेकिन बीजेपी जानती है कि जगनमोहन रेड्डी का उन्हें सपोर्ट जैसे पहले मिला है अभी भी मिलेगा लेकिन अभी लगभग दस पंद्रह दिन पहले ही अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए आए थे दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने कहा था कि साहब आप हमें क्लियर कीजिए कि आप हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं या नहीं लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब अभी नहीं मिला है लेकिन फैक्ट और जो हालात हैं आंध्र प्रदेश के वो यही बताते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चंद्र बाबू के नायडू के साथ ही जाना होगा और उसके अलावा कोई चारा है नहीं वाईएसआरसीपी कांग्रेस के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण फैला है और हिंदुओं के ईसाई बनने का जो सिलसिला चल रहा है वो बीजेपी के और आर के कोर एजेंडे के खिलाफ है और मोरल रूप से भारतीय जनता पार्टी जगनमोहन रेड्डी को किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकती लेकिन मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में बहुत कमजोर है इतनी कमजोर है जैसे कि के केरला में है अभी उनका खाता भी खुलने की वहां पोजिशन नहीं है तेलंगाना में तमिलनाडु में कर्नाटक में बीजेपी की प्रेजेंस है लेकिन केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है अब हो क्या रहा है इस मामले में मूक दर्शक और एक तरह से न्यूट्रल बनकर बैठ गई है भारतीय जनता पार्टी लेकिन जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है चंद्र बाबू नायडू का बड़ा अपमान हुआ था चंद्र बाबू नायडू ने कसम खाई थी कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा और ये जो दोनों की लड़ाई है ये अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है इसमें मीडिया हाउस भी इन्वॉल्व हो गए हैं आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत का हैदराबाद का एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो हुआ करता है रामोजी राव का जिसमें ई के बहुत सारे चैनल्स चला करते थे जिन्हें बाद में अंबानी ने खरीद लिया था और वो सब टी वी में मर्ज हो गए थे लेकिन इनाडू जो रामोजी सिटी में जो इनाडू टीवी चलता है और इनाडू अखबार है जो उनका तेलुगु का उस अखबार का अच्छा खासा सर्कुलेशन है और रामोजी राव को आज भी मीडिया दिग्गज वहां का माना जाता है उनको खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करने लगे हैं रामोजी राव को और ऐसा लगने लगा है जगनमोहन रेड्डी को बल्कि लग रहा है पिछले कुछ महीनों से कि इनाडू में उनकी सरकार के खिलाफ खबरें छापी जा रही हैं और जगनमोहन रेड्डी ने इन पर अपनी उंगली टेढ़ी कर ली है अब इनाडु को रामोजी राव की पुत्र वधु सैलजा किरण देखती हैं और साथ ही साथ सैलजा किरण एक चिट फंड कंपनी की डायरेक्टर भी हैं जिसका नाम है मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एम सी एफ एल -E और इसके खिलाफ राज्य की जो सी आई डी है राज्य की जो सीआईडी है जो चंद्र जगन मोहन रेड्डी के ही अधीन आती है उसने सात एफआईआर फाइल की हैं कल यानी कि मंगलवार को इस बारे में विस्तार से खुलासा किया है जो यहाँ के आंध्र प्रदेश सीआईडी के एडिशनल डीजीपी हैं उन्होंने मीडिया को इस बारे में बताया कि हमने इस कंपनियाँ की यानी कि एमसीएफपीएल के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज किए और ये एफआईआर आई चार सौ बीस चार सौ 32 ऐसी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई हैं जिनमें आसानी से जमानत भी नहीं होती है और इसमें रामोजी राव को भी उन्होंने आरोपी बनाया है सेलजा को भी आरोपी बनाया है साथ, से, साथ ही साथ जो एम सी के ब्रांच मैनेजर से जहां जहां इनके दफ्तर थे वहां वहां के जो ब्रांच मैनेजर थे उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं इनसे एक एक बार सभी से पूछताछ भी की जा चुकी है और जगनमोहन रेड्डी का यह कहना है कि इनाडू उनके खिलाफ खबरें चलाता है और टीडीपी को सपोर्ट करता है और इसी बारे में पिछले दिनों जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी इस जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी नेताओं दोनों ने ही अमित शाह से मुलाकात की थी एम का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 9677 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर बताया जाता है जो कि एक बड़ा अमाउंट है एमसीएफपीएल ने लोगों के साथ चीट किया उनके पैसे गलत खातों में ट्रांसफर किए उसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया और बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और यही आरोप लगाए गए हैं MCL, पर और जगन को यह लगता है कि ये जो पैसा पैसा इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी अमाउंट रामोजी राव के पास है अगर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को खुलकर सपोर्ट कर दिया है और जबरदस्त वो पैसा में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू उनके लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकते हैं और इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है मोहन रेड्डी खुलेआम अपने स्पीचों में इनाडू अखबार का नाम लेने लगे हैं। है है, है खिलाफ हमेशा है। और हमें इन, हमें चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ इन मीडिया हाउसों पर भी लगाम लगानी होगी तो ये वहां पर जंग जबरदस्त छिड़ गई है मार्च के महीने से इसमें बहुत तेज गति हुई थी छापा मारी हुई थी विशाखापत्तनम काकीनाडा विजयवाड़ा गुंटूर कुरनूल आदि जिलों में जो इसके दफ्तर हैं उन सब पर छापे मारे गए थे उनसे पूछताछ की गई थी लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं तीन अप्रैल को सीआईडी के जो एसपी हैं अमित उन्होंने आठ घंटे तक रामोजी राव से पूछताछ की थी उनके आलिशान घर में इसके चार दिन बाद उनकी बहू शैलजा से पूछताछ की गई जगनमोहन रेड्डी ने एक ऑडिटर की खास तौर से नियुक्ति केवल इसी मामले को देखने के लिए कर ली है कि कि साहब देखिए इसके खातों में कहां कहां गड़बड़ है और इन्होंने कहां कहां पर चीट किया है दूसरी ओर 12 अप्रैल को जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि इस इनाडो कंपनी के जो भ्रष्टाचार है इसकी जो मीडिया हाउस की जो गड़बड़ियां हैं उनकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को भी करनी चाहिए और इसे लेकर वो अमित शाह से मिलने भी आए थे दिल्ली में लेकिन अमित शाह ने इस पर अभी चुप्पी साधी हुई है दोनों नेता बार बार बीजेपी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं लेकिन बीजेपी एक डिस्टेंस बनाकर दोनों से रखे हुए एक और मजेदार बात बताऊ मामले की जब शुरुआत हो रही थी तो इनाडु अखबार का सर्कुलेशन कम कराने के लिए और साक्षी अखबार जिसे खुद उनका परिवार चलाता है जो उनके घर का अखबार है साक्षी तेलुगु का अखबार है जगनमोहन रेड्डी का अपना अखबार है उन्हीं के परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की जगनमोहन रेड्डी ने उन्होंने कहा कि हम हर ग्राम पंचायत को वार्ड मेंबर को सबको पांच सौ रुपए सरकार की तरफ से देंगे कि आप कम से कम एक तेलुगु का जो लीडिंग पेपर है वो अपने घर पर जरूर मंगवाएं जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो ग्राम पंचायतों में भी लोग इस अखबार को पढ़ सके और उसने कहा कि हम दो सौ का अमाउंट पर मां आपको देंगे इसके लिए अब देखिए खेल क्या है खेल यह है कि अगर आप साक्षी अखबार मंगाते हैं तो उसका एक महीने का बिल है एक सौ छिहत्तर रुपए पचास पैसे यानी कि आपको एक सौ छिहत्तर रुपए पचास पैसे दे देने हैं और बाकी पैसे आपकी जेब में बच जाएंगे चौबीस रुपए साढ़े चौबीस रुपए की, एक तरह की तरह रिश्वत हो गई आपको दूसरे इनाडो अखबार थोड़ा सा महंगा है और बहुत पॉपुलर भी है इनाडो का जो मंथली बिल आता है वो दो सौ सात रुपए पचास पैसे का है तो अब कौन अपनी जेब से साढ़े सात रुपए एक्स्ट्रा देगा जब दूसरे अखबार को मंगाने में आपसे चौबीस रुपए आपके बच रहे हैं तो एक चाल उन्होंने चली और ये ऑफर शुरू की इसके खिलाफ रामोजी राव सुप्रीम कोर्ट गए उन्होंने कहा कि साहब ये तो गलत है और सरकारी पैसे का मिसयूज किया जा रहा है अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जिसे जगन का परिवार चलाता है और हमारे सर्कुलेशन को गिराने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग से चल रहा है तो इतना पेचीदा मामला बीजेपी के सामने यहां पर आ गया है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो किसके साथ रहे किस किसको छोड़े अभी तो फिलहाल चैलेंज यही है मानसून सेशन आ रहा है और दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश मोदी सरकार लाई उसको किसी तरह से पास कराना है कानून का दर्जा दिलवाना है जो केजरीवाल के के मानसून को के कम कम तो कोई को हिंट देने वाली नहीं है कि हम किसकी तरफ हैं किसकी नहीं है। कि अप्रत्यक्ष रूप से अभी जगनमोहन रेड्डी के प्रति सॉफ्ट रवैया बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और चंद्रबाबू नायडू भी कम नहीं है चंद्रबाबू नायडू ने जब 2018 में एक साल पहले लोकसभा चुनाव के यूपीए ज्वाइन किया था एनडीए छोड़कर तो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था बीजेपी में इस बात को लेकर भी रिजर्वेशन है कि जगन रेड्डी हमें भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं लेकिन समय समय पर सहायता करते हैं चंद्रबाबू नायडू ने तो हम पर बहुत हमले बोले जगनमोहन रेड्डी हमारे बारे में तो कभी कुछ कहते नहीं शांत रहते हैं एक तरह से न्यूट्रल बने रहते हैं तो ये मामला टला हुआ है लेकिन निश्चित रूप से बाद में बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू के पास जाने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है अगर उसे अपना वजूद यहां पर बनाना है आंध्र प्रदेश में देखते हैं इस घटनाक्रम में क्या होता है ये बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है शायद ये डिटेल्स आपको किसी और यूट्यूबर्स ने दी ना दी हो लेकिन मेरे चैनल पर इस तरह की बातें मैं अक्सर लाता लाता रहता रहता एनालिसिस तरह तरह के लाता रहता अब बातेंगन तो मोहन रेड्डी बताया जाता है कि खुलेआम ये कहने लगे हैं कि आप अखबार ना पढ़ें उनका जो चैनल है टीवी फाइव उसको ना देखें इस स्तर तक राजनीति सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में चलती है आपको याद होगा कि जयललिता और करुणानिधि के बीच में क्या हाल हुआ करता था जे करुणानिधि की कैसे धोती खुलवा दी थी जयललिता ने

और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड uh, मेरे मित्र भी हैं तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है uh, बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ एंड uh, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं सो कंग्रेचुलेशन हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए लाइक कीजिए हर्ष की बात